नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों। नरसिंहपुर के परमहंसी गंगा आश्रम में द्वारिका एवं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए केंद्र सरकार को राम जन्मभूमि न्याय ट्रस्ट के मामले में और गौ हत्या कानून के मामले में घेरते हुए कहा कि राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट द्वारा धोखाधड़ी की गई। हमने पहले ही कहा था कि इस ट्रस्ट में ऐसे लोगों को शामिल मत कीजिए जो भ्रष्टाचारी हों, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं मानी और अब विवाद खुलकर सामने आने लगे। वहीं सरकार भी राजनीतिक लाभ के लिए देश के राम भक्तों के मनोबल से खिलवाड़ कर रही और जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे भटक चुकी है। साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अब भी समय है RSS और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों से दूर रहें और राष्ट्रहित में कार्य करें। जो हमारे हिंदू हितों की बातें हैं वो जब उठती हैं तो उनको ये राजनीतिक लोग उठा लेते हैं और उनको दलीय राजनीति के रूप में बदनाम कर देते हैं। परिणाम ये होता है कि जिस उद्देश्य से ये मांग उठी थी वो उद्देश्य भटक जाती है, विषयांतर हो जाता है। तो यही लोग कर रहे हैं। आप सोचिए, गो हत्या बंदी के लिए इन्होंने संघर्ष किया, दो से ये करीब करीब 200 हो गए, लेकिन इन्होंने गो हत्या बंदी के लिए कुछ भी नहीं किया, एक भी प्रश्न नहीं उठाया। अपने दलीय लाभ को तो ले लिया, लेकिन जिसके आधार पर वो खड़े हुए थे वो काम नहीं किया। इसी तरह से राम जन्मभूमि का भी मामला जब आया तो जब उसका निष्कर्ष निकलने को मौका आया तो आपने कई ट्रस्ट को बदल दिया। ऐसे लोगों को बनाए जो भ्रष्टाचारी थे, इसके लिए आपको खरीदनी पड़ रही है। चंपत राय को कौन जानता था, ये कौन आदमी है, क्या है, और वो कहता है हमारे ऊपर कलंक लगाता है। कई कलंक लगे किसी को, जब तक कि आप में कोई दोष ना हो तब तक कोई किसी का थोड़ी होता है। क्या चेतावनी देना चाहेंगे आप? हम ये चेतावनी देना चाहेंगे, अभी भी आप सावधान हो जाइए। विश्व हिंदू परिषद आने से इन सबसे सावधान होकर जो सनातन धर्मियों की संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को सहयोग दीजिए, वो ही आपकी इच्छा को पूरी कर सकेंगे। ये राजनीतिक स्वार्थी लोग आपके विषय को भटका देंगे। ज्योतिष वैसे मनोज यादव की रिपोर्ट।